हुए हैं, सारे फसल बर्बाद है। कोई सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। एक महीना से पूरा बाढ़ आया हुआ है और पानी चारों तरफ से घेर लिया है। बाढ़ बंधकों की 20 कहानियां आपको दिखानी है। बिहार में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। लगातार हुई भारी बारिश की वजह से बाढ़ बिहार में अब तक 253 लोगों की जान ले चुकी है। 18 जिलों के 1,26,87,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। आप समझिए कि ये बाढ़ का कितना विकराल रूप है। सबसे पहले आपको बिहार में हर साल नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से बाढ़ की बात बताना जरूरी है। आपने बहुत बार देखा और सुना होगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि राजस्थान में भी बाढ़ की तस्वीरें आपने देखी होगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शहर की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसके बारे में कम से कम आप ये तो नहीं सोच सकते कि वो बारिश के पानी में डूब सकता है। हम बात चंडीगढ़ की कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर बिहार के किसी गांव की है जो इस समय बाढ़ से पीड़ित है, लेकिन नहीं, ये तस्वीर चंडीगढ़ की है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शहर बड़ी प्लानिंग से बनाया गया है और बसाया भी गया है। लेकिन इन तीन तस्वीरों ने पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की प्लानिंग की पोल खोल कर रख दी है। लॉबी में खड़ी मोटरबाइक पूरी तरह से डूब गई है, बड़ी बड़ी गाड़ियों ने जल समाधि ले ली है, सड़क तो सड़क जैसी रही नहीं, झील या समुद्र जैसी जरूर लग रही है। लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है और सरकारी अधिकारी गहरी नींद सो रहे हैं। पानी से लबालब यह नजारा चंडीगढ़ क्षेत्र की सड़कों का है, जहां सुबह से ही भारी बरसात हो रही है। सुबह से ही यह हालात बने हुए हैं और यह हालात पंचकुला या चंडीगढ़ या मोहाली की किसी एक सड़क का नहीं, बल्कि हर सड़क पर कमोबेश इसी तरह का नजारा जो है देखने को मिल रहा है। पूरा चंडीगढ़ पानी में डूबा हुआ है, हर कोई पानी का बंधक बना हुआ है। क्या मोटरबाइक, क्या ऑटो रिक्शा, क्या बस, सब कुछ पानी पानी। दरअसल चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली क्षेत्र में भारी बरसात हुई जिसकी वजह से जल भराव हो गया, सड़कें जलमग्न हो चुकी है, हजारों गाड़ियां सड़कों पर यहां वहां फंस गई है, लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। ये तस्वीरें मोहाली शहर की है जो पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। मोहाली के बारे में भी कहा जाता है कि ये प्लान सिटी है। प्लान सिटी का हाल आप देख लीजिए, सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है, चारों तरफ गाड़ियां पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही है। पूरे शहर को जल बंधक बनाने के बाद निगम के अधिकारियों ने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिए हैं। आज सुबह पावंटा साहिब के गुलाबगढ़ क्षेत्र में बादल फटने और लगातार बारिश की वजह से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। सैकड़ों बीघा जमीन पर खड़ी धान, गन्ना और मक्का की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। अच्छी खबर सिर्फ इतनी है कि इस जल सैलाब में किसी की जान नहीं गई। गुलाबगढ़ जंगल में ऊपर बादल फटा जाते, बहुत आवाज आई और उसके बाद इतना पानी आया, कोई कहर बरत गया, पूरे गांव में इतना नुकसान हो गया, कोई उसका आंकलन नहीं किया जा सकता। सुबह 6 बजे पानी आना शुरू हुआ, उसके बाद ना ये आज तो पूरे कमरों में अंदर ही घूम गया, स्कूल वगैरह जो भी था वो सारे में, गेहूं खराब होगी 10 क्विंटल कम से कम में, और पूरा पानी भर गया। ये तस्वीर फरुखाबाद की है। यहाँ हजारों आशियाने तबाह हो चुके हैं, सैकड़ों एकड़ की फसल जलमग्न है, लोग टापुओं और सड़कों पर अपनी गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। देवरिया की गर्रा, राप्ती और घाघरा नदी उफान पर है। यूपी के बलरामपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिले के सैकड़ों गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। बलरामपुर में बाढ़ से अब तक 300 से ज्यादा लोग प्रभावित है। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से 96 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने और राहत सामग्री बांटने के लिए मोटरबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाढ़, बारिश, बर्बादी और बेबसी, देश के कई हिस्सों में हालात यही है। खास तौर पर बिहार के हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। आधा बिहार नेपाल से छोड़े गए पानी में समाधि लगा चुका है। हालात से निपटने के लिए सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन लोग परेशान हैं।
पश्चिम चंपारण में बेतिया के नरकटिया गंज के लोगों को ट्रेन का इंतजार था, लेकिन आया नेपाल से भारी मात्रा में पानी। बाढ़ ने बेतिया के लोगों को न सिर्फ पूरी तरह से बर्बाद कर दिया बल्कि उनके सपनों को भी तोड़ दिया है। इसी महीने से नरकटिया गंज के लोगों को रेल की सुविधा मिलने वाली थी, लेकिन नरकटिया गंज और आसपास के क्षेत्रों में आई भयंकर बाढ़ ने रेलवे को काफी नुकसान पहुंचाया। नरकटिया रक्सौल रेलखंड के बरवा बरौली में महज 10 मिनट के अंदर 250 मीटर रेल ट्रैक के नीचे से मिट्टी का कटाव हुआ और रेल ट्रैक जमीन में धस गया। अब ये नरकटिया से लेकर और यहाँ मरजदवा तक पूरा रेल टूटा हुआ है और यहाँ सब पब्लिक आने जाने का भी कोई सुविधा नहीं है। इसी एक दो महीने के अंदर में ये चालू होने वाला भी था, नहीं हुआ। अररिया में लाखों की आबादी बाढ़ की बेबसी में जिंदगी जी रही है। भूख और प्यास से बुरा हाल है, जान बचाना मुश्किल हो रहा है। अररिया के लोगों को ये जानकारी भी नहीं दी गई कि नेपाल से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। अररिया के लोगों के लिए पिछले कुछ दिन बाढ़ की बेबसी वाले रहे। क्या आप लोग की क्या समस्या? बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत है, सब चीज दिक्कत है। कौन सी दिक्कत? दिक्कत है बस्तर की, दिक्कत है घर की, दिक्कत है सब चीज की दिक्कत है। वहीं बाढ़ पीड़ितों में सरकार के सिस्टम के प्रति बहुत गुस्सा है, और हो भी क्यों ना, जीवन भर की कमाई पानी में बह गई और सरकार की तरफ से सुध लेने वाला कोई नहीं आया। सुपौल जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। यहां कई लोग बाढ़ के बीच रहने के लिए मजबूर हैं। जिला प्रशासन मदद करने की बजाय आंकड़ों का खेल खेलने में व्यस्त है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग पानी के बीच झोपड़ियों में दुबके हुए हैं और प्रशासन की तरफ से इन्हें जान बचाने के लिए अब तक एक नाव तक मुहैया नहीं कराई गई है। सरकार बाढ़ से बर्बादी और बेबसी के आंकड़े गिना रही है और 8 प्रखंड के 40 हमारे जो हैं 41 जो पंचायत हैं पूर्ण और 30 जो हैं फसल से प्रभावित हैं। लगभग 360,000 से अधिक आबादी भी प्रभावित हुए हैं। बेतिया के सिकटा प्रखंड और गोपालपुर में बाढ़ की त्रासदी झेल रहे लोगों का पलायन शुरू हो गया है। सुरक्षित जगह की तलाश में लोग अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि राहत और बचाव कार्य के नाम पर प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है। उनके पास ना तो खाने के लिए अनाज है और ना ही सिर छिपाने के लिए छत, लिहाजा वो अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं। दरअसल नेपाल से आ रहे पानी और सिकरहना नदी ने पूरे इलाके को समुद्र में तब्दील कर दिया है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दर्जनों गांव बाढ़ में डूब गए हैं और लोग रस्सियों के सहारे आवागमन कर रहे हैं। हम लोग को बहुत दिक्कत है, नहीं खाने को मिलता है, नहीं आदमी को मिलता है, नहीं माल जल को मिलता है, नहीं रहने को बिछावना है, नहीं ओढ़ना है, हर चीज खत्म हो गया है। बिहार में बाढ़ की बर्बादी और बेबसी वाले हाल देखकर बॉलीवुड स्टार आमिर इमोशनल हो उठे। आमिर खान ने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है, देश के नागरिक होने के नाते हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री कोष में पैसे दान देने की अपील की। मुझे यकीन है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही होगी उस सिचुएशन से निपटने की। नेचर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो ये है कि हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें हर भारतीय जो है कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। आपको पता है इतना विकराल रूप इस बाढ़ ने ले लिया है कि एनडीआरएफ की 28 टीमें यानी 1,152 जवान, 118 बोट्स के साथ, नावों के साथ, एसडीआरएफ की 16 टीमें, 446 जवानों के साथ और उनके पास 92 नावें हैं। सेना के जवान भी इसी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। राज्य सरकार बाढ़ से घिरे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम युद्ध स्तर पर कर रही है और आपको पता है अब तक 7,21,704 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाके से सुरक्षित निकाल लिया गया है और लगभग 1,358 राहत शिविरों में कुछ 4,21,824 लोग शरण लिए हुए हैं। ये बिहार के हालात है, बाढ़ से अछूता वैसे यूपी भी नहीं है। मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में कटाव तेजी से हो रहा है। बरियापुर प्रखंड के रहिया गांव में किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। खेत नदी में तब्दील हो गए हैं, जिसको लेकर ग्रामीण बहुत मायूस है। गंगा का जलस्तर बढ़ने की सूचना लोगों ने जिला अधिकारी को कई दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन अब तक कोई भी अधिकारी दौरे पर नहीं आया। बिहार के पटना के नजदीक पानापुर गांव के लोग भी बाढ़ से परेशान हैं। गांव के खेतों के साथ ही घरों में भी हर तरफ पानी ही पानी है। बाढ़ की वजह से लोग खुले में खाना बनाने और खाने को मजबूर है। घरों में पानी भर जाने की वजह से लोग ऊंचाई पर टेंट बनाकर रात गुजार रहे हैं।
बिहार के छपरा में बाढ़ की चपेट में आने से दो बच्चों की मौत हो गई। 16 और 14 साल की दोनों लड़कियां शौच के लिए खेतों में गई थी, जहां पानी के बहाव और गहराई की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों लड़कियों का शव बाहर निकाला गया। यूपी के बलरामपुर में राप्ती नदी अभी भी खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिले के सैकड़ों गांव अब तक बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। बाढ़ से अब तक जिले में 16 लोगों की मौत की खबर है। एनडीआरएफ यह अस्पताल है जो आपको किसी तालाब जैसा दिखाई दे रहा होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित है। देवरिया जनपद में भी बाढ़ ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस जनपद में गोर्रा, राप्ती और घाघरा नदियां बहती हैं। ये नदियां अब भी अपने उफान पर है और इन्हीं नदियों का पानी जिले के रुद्रपुर तहसील के न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घुस गया है। इससे डॉक्टर और मरीजों की जान आफत में है। मरीजों को इलाज के लिए घुटने भर पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा बेहाल बिहार है। मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी बैठक पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन पीड़ितों की शिकायत है ये सब नाकाफी है, सरकार कुछ कीजिए। सिवान में भी लोगों को अब बाढ़ का डर सताने लगा है। दरअसल गुठनी और दरौली में दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। शनिवार रात से सरयू नदी का पानी बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं किया है। हालांकि विधायक सत्यदेव राम ने कई गांवों का दौरा किया और तटबंधों का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों की इस बेबसी पर गौर कीजिए। बाढ़ ने फरबीसगंज के लोगों को बेघर कर दिया है। वो जान बचाकर सड़क पर रहने चले गए, लेकिन पेट भरने के लिए इनके पास भोजन नहीं है। बिहार के खगड़िया में बाढ़ की वजह से आम लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। बाढ़ से खगड़िया का पौड़ा पुलिस थाना भी नहीं बच सका। बाढ़ का पानी पौड़ा पुलिस थाना में घुस गया है। गोपालगंज में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पार्टी के नेताओं को बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर राहत सामग्री बांटने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने स्तर पर पूरी मुस्तैदी से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री उपलब्ध करा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एनडीए के दल बाढ़ पीड़ितों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। बिहार में बाढ़ ने विकराल रूप दिखाया है। अब तक 253 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ से नुकसान पर अहम बैठक बुलाई। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग ने सीएम के सामने प्रेजेंटेशन दिया।